देखिए, आप चाहे किसी भी देश में हो, अगर आप पृथ्वीवासी हैं तो आप गूगल से अवश्य परिचित होंगे। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि गूगल क्या है आज के टाइम में, पर गूगल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपसे कुछ सवाल पूछता है, उन सवालों के जब आप जवाब देते हैं तो आपको कुछ पैसे देता है। हम बात कर रहे हैं गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स की। बेसिकली ये एक सर्वे एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से। जब आप इसे डाउनलोड करते हैं, इसमें अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। कुछ चीज़ें ये आपसे पूछता है कि आप हिंदी में सवाल लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में लेना चाहते हैं। हिंदी इंग्लिश अगर आप बोथ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेस आपको मिलेंगे, और उन सर्वे का जवाब आप देंगे तो उससे कुछ पैसे आपको मिलते हैं, जैसे कि 3 रुपये से लेकर 10 रुपये तक एक सर्वे का प्राइस रहता है। जब आप डाउनलोड करते हैं पहली बार इसे, तब थोड़ा कम सर्वे मिलता है, धीरे धीरे ये सर्वेस की संख्या बढ़ने लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमसे सवाल पूछने के हमें पैसे क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि सवाल तो हम अपनी रुचि के अनुसार देते हैं। सपोज दैट आपसे ये पूछेगा कभी कभी गूगल रिवॉर्ड कि आपको खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? तब आप उसे बोलोगे कि मुझे मीठा पसंद है। अब वो आपसे पूछेगा मीठे में क्या पसंद है, आइसक्रीम, मिठाई, रसगुल्ला, बतासे, या फिर सिर्फ चीनी फांकते हो, या चाय पीते हो, कॉफी पीते हो? तो उसमें आप जवाब देंगे भाई मुझे मिठाई पसंद है। अब मिठाई में भी वो आपसे 20 तरीके की वैरायटी पूछ लेगा, काजू वाली मिठाई, खोए वाली मिठाई। तो इस तरीके से वो आपकी रुचि के हिसाब से सवाल पूछता है। अब कोई मेरी पसंद जानकर मुझे पैसे क्यों देगा? सिर्फ गूगल रिवॉर्ड्स ही नहीं, ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं जो कि आपको केवल सर्वे के पैसे देते हैं। पर सर्वे के पैसे आखिर देते क्यों हैं, जान के आप हैरान रह जाएंगे। पर पहले हम बात कर लेते हैं गूगल रिवॉर्ड की। देखिए, गूगल रिवॉर्ड में सबसे पहली चीज़ तो आपको एक लिमिट मिलती है सर्वे की। उस लिमिट से ज़्यादा सर्वे आपको नहीं मिलते हैं एक दिन के। अब जब वो उतने लिमिट पार कर लेते हैं सर्वे की, तो अगले दिन आपको अगले सर्वे मिलते हैं। आप गूगल रिवॉर्ड से मैक्सिमम 15-20 रुपये कमा सकते हैं एक दिन के, और इसे रिडीम आप तब कर सकते हैं जब आपके गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स में कम से कम $2 के समथिंग बन जाते हैं। उसके बाद इसे पेपाल के थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। हाँ, बीच में अगर कुछ पैसे बने हुए हैं तो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आती हैं जिनसे आप रिडीम कर सकते हैं, पर उनका चार्ज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लगभग अगर आप 20 रुपये रिडीम करते हैं तो आपको 12 मिलते हैं, 8 रुपये वो अपना चार्ज रख लेते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम ये जानते हैं कि आखिर ये हमारे सर्वेस का करते क्या है। देखिए, इनका मेन मकसद होता है हमसे डाटा लेना, हमें क्या पसंद है, हमारी रुचि किस चीज़ में है। सपोज दैट मेरे से ये मेरी सारी इंटरेस्ट की चीज़ें पूछ लेता है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स या फिर जो इनके अदर सर्वे वाले वेबसाइट्स होते हैं उन पे। हम अपनी पसंद की सारी चीज़ें इनको बता देते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें ये पूछते हैं हमसे, और फिर फ्यूचर में ये हमारे डाटा को सेल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। अब ये हमारा डाटा किसको सेल करेंगे? सपोज दैट इंटरेस्ट में उसने मुझसे पूछ लिया कि मुझे किस प्रकार की मिठाई पसंद है, या किस प्रकार के खिलौने पसंद हैं, या फिर किस प्रकार की साइकिल या बाइक पसंद है। अब गूगल को पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो अब गूगल उस कंपनी को ये बताएगा कि इस बंदे को ये इंटरेस्ट पसंद है, मतलब मेरा डाटा उसे देगा ताकि वो कंपनी किसी भी तरीके से मुझे अपना ऐड दिखाकर अट्रैक्ट कर सके और मैं उसके प्रोडक्ट को खरीद सकूं। मतलब कि आपका डाटा लेने के लिए आपको बहुत छोटी सी कीमत दी जाती है इन एप्लीकेशंस की तरफ से, इन वेबसाइट्स की तरफ से, और उसके बाद आपका डाटा को बेचकर हजारों में कमाया जाता है इनके तरफ से। क्योंकि इनका डाटा देने से अगर एक भी बंदे ने उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया तो वो कंपनी एक अच्छा खासा कमीशन दे देती है गूगल को या अदर वेबसाइट्स को, जिसके भी डाटा से उसने प्रोडक्ट बेचा है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, पर अभी आप समझदार हैं। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।